सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज हजूर दा आगमन राय भोए दी तलवंडी विखे होया कै आदि सतगुरु जी दे सन्मान योग पिता जी दा नाम बाबा कालू जी है। सन्मान योग माता जी दा नाम माता तृप्ता जी है। हजूर सच्चे पातशाह चो 5 साल शरीरक तौर ते वड्डे ने जिन्हां नू साडी इतिहास ने तवारीख ने जो शब्द दिता है बेबे नानकी जी। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दे पावन पवित्र जीवन की जो आप गल करने हैं एक तरीका है जिहड़ा बोधक तल ते हजूर दे जीवन की व्याख्या करन दा यतन करदा है। उस विच बाहर मुखी सतगुरु जिथे भी चरण पांदे आ उन्हां थावां दी निशानदेही करके अपने हिसाब नाल गिनती मिनती करके सी कहिंदा महाराज एक दिन दे विच इतना सफर कीता है। दूसरा है रूहानी पक्ष, जिहड़ा रूहानियत दा पक्ष है उस दे संबंध विच सब तो पहला भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी उन्हां ने जदों ये बचन कहे बाबा देखै ध्यान धार, ये ध्यान धार शब्द नूं असी धरती दे मीलां नाल गिनती मिनती नहीं कर सकते। उस विच जिहड़े शब्द उन्होंने वरते आ बाबा देखै ध्यान धार जलती सब पृथ्वी दे साई, एक ध्यान शब्द दूसरा सारा संसार सड़दा होया नजर आया है। उत्थे रूहानी है कि सिर्फ उस ध्यान विच गुरु नानक साहब जी ने देखा है। दूसरा एक बचन आपां सी होर पढ़ने हाँ बाबे डिठी पृथ्वी नवै खंड जिथों तक आही, उत्थे भी भाई साहब ने जिहड़ा शब्द वरत्या है डिठी शब्द वरत्या है कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने उस सारी सृष्टि नूं देखिया। एक होर बेनती जदों असीं हुण सिफतां करांगे तुसीं देखोगे इस साल हर बंदा अपने यतन अनुसार करेगा तो एक पता नहीं कोई भी बुलारा बोलदा। मैं कई बार सोचना हर बंदे दे अंदर दी अवस्था ते निर्भर करदा उहने बाबा जी नूं किस ढंग नाल देखना। कोई यही अर्थ यही करी जांदा बाबा जी तो वड्डा यात्री कोई नहीं, सैलानी कोई नहीं, कोई शब्द अजकल जिहड़े नवे नवे वरदे आ उन्हां वर्गा इनकलाबी कोई नहीं, उन्हां वर्गा क्रांतिकारी कोई नहीं, कई सज्जन शब्द वरदे आ उन्हां वर्गा समाज सुधारक कोई नहीं। दास इक बेनती करदा सब तो पहला इस भावना नूं लै के चलीए किसी भी इतिहासकार नूं छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पुछ के देखिए भी गुरु नानक साहिब जी की पद पदवी की है। गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द च बाणी च गुरु नानक साहिब की पद पदवी की है। मैनूं पता है बड़े शब्द वरते जाणगे, थोड़ियां जिहियां बेनतियां ने जी। सब तो पहला असी धन गुरु नानक साहिब जी की अमृत बाणी चो पुछिए महाराज आप जी बारे बहुत कुछ बोलते आप जी के नाम बारे, पर आप जी सानू दसो आप जी की पद पदवी की है। आप 19 रागां च गुरदेव के बचन पढ़ते, अपने आप नू दासन दास, अपने आप नू तबलबाज, अपने आप नू ढाडी शब्द, अपने लिए एक शब्द गुरदेव सायर भी वरते। हालांकि फिर मैं बेनती आप नू करांगा आप सूझवान बैठे हो, पता नहीं मेरे मन च एक दिन आया सी कथा करदे हां कि इहदी इह शब्दावली थोड़ी जी चेंज हो जाए तां हुण एक बंदा तबला वजांदा है वो ये शब्द कहन लगे गुरु नानक साहब साडे वर्गे शब्द वरते जी तबलबाज सन, एक ढाडी कहे भी गुरु नानक साहब साडे वर्गे ढाडी सन। मेरी बेनती है शब्द दुरुस्त कर लिए साडे वर्गे नहीं, सच एवे कि असी गुरु नानक साहब के पद चिन्हां ते चल सके। जिमें असी विआह वेले भी शब्द वरतने भी गुरु साहब साडी तरह गृहस्थी सन, बिल्कुल झूठ है।
सचमुच असी अरदास करिए सानू गुरु वर्गा गृहस्थी बनती जा चाहिए। ये मैनू इंज लगता है जिवें असी उच्चे शब्द नू ना थले लियाउण दा यतन कर रहे, हालांकि आप तबल बाज ढाडी ईवन के शब्द एक महाराज जी दा नानक सायर एव कहत है। असी जदों अर्थ करांगे शब्द शायर वरतांगे उंजे बड़ा स्पष्ट है कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च किते भी हजूर ने अखर दे थले बिंदी दी वरतों नहीं की। सब तो वड्डी गल एक ससा ते एक जज्जा, ये शब्द ज़्यादा गुरबाणी च ये वरत्या जाता थले बिंदी ला के, उत्थे चलो गुरुदेव ने शब्द वरत्या सायर। असी अर्थ कर लग्या जरूर कहांगे शब्द कित्थों आया, ते उत्थे शब्द दे शायर दे लफ्ज़ी अर्थ अज कवि बोलदे। मैं तां मन च कहे पटना साहिब बैठिया ख्याल आया, हजूर दा पुरब सी ते पुरब तो नगर कीर्तन तो एक रात पहला उत्थे कवि दरबार सजदा बाला प्रीतम जी दी उस सिफत विच। उत्थे एक सज्जन ने शब्द वरत्या भी गुरु नानक साहब जी साडी तरह शायर ने, पता नहीं अंदर नूं गल खोन लग पई। फिर मैं शब्द संबंधी होर यतन किया भी शायर दा अर्थ हर थां कवि करदे, पर जदों तुसीं अरबी नूं ध्यान नाल घोखोगे शब्द नूं, जदों जे हज़रत मुहम्मद साहब ते कुरान भी नहीं सी आई, कुरान नाजल नहीं सी हुई, जदों अजे तक इस्लाम दा बिल्कुल नामो निशान नहीं सी, गुरमुखो असल च अरबी दा ये शब्द जेड़ा है शायर असल च कुरान तो पहला ये शब्द कवि लई नहीं सी वरत्या जांदा, ये शब्द उस पवित्र आत्मा लई वरत्या जांदा सी जिदा संबंध सीधा परमात्मा नाल रब नाल है, जिहड़ा रब दीआं गल्लां लोकां नूं दसदा है। फिर बेनती सुनो, शायर दा अर्थ केवल कवि नहीं, कवि शब्द जोड़ के बन सकदा ये शब्द कि जिदा संबंध सीधा परमात्मा नाल। इस करके सब तो पहला मैं बेनती करांगा, यह मनसिब गुरु नानक साहब जी कौन ने सी तां कह देंगे कि साढ़े पहले सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी। उंज वैसे गुरु जी नूं पुछिए ते महाराज अपनी बाणी च अपने एक शब्द च जो उस वक्त गुरदेव लई शब्दावली वरती गई, उस शब्दावली दा जिक्र दातार ने बाणी च कीता, बिल्कुल नहीं लुकोया भी मेरे बारे लोकां ने आ कुछ किया, बिल्कुल पर्दा नहीं पाया। उस सारे शब्द गुरदेव जी ने वरते ते मैं की हाँ, सतगुरु ने उस शब्द की भी भरपूर व्याख्या की, जिमें असी पाठ करने जे कहीए जी उस वक्त बिल्कुल सब कुछ ठीक सी, बड़ा मौका चंगा सी। अज भी कहना भी गुरु साहब दे वेले सब कुछ ठीक सी, चेते रखियो सब कुछ कदी भी किसी युग च ठीक नहीं होया, कदी नहीं होया। उस वक्त जेडे महाराज जी लई शब्द वरते, मारू राग दा एक शब्द है जी, आप सब नूं पता है वह बचन है, कोई आख है भूतना को कहे बेताला, कोई आख है आदमी नानक बेचार। तीन शब्द गुरु नानक साहब दे वरते ने, कई सज्जन शब्द वरते पया भूतना, कोई शब्द वरते पया बेताल, कई शब्द वरते पया नहीं ये आम आदमी है। हुण भूतना बेताला ते आदमी शब्द उस वक्त दे लोकां ने वरते, पर गुरु साहब जी ने जिहड़ा अपने लिए शब्द वरत्या उन्होंने कोई शब्द संत भगत ब्रह्म ज्ञानी कोई शब्द नहीं वरत्या, एक शब्द वरत्या कि भया दीवाना शाह का नानक बौराना हो हर बिन और न जाना। उत्थे सतगुरु ने शब्द दीवाना वरत्या, इस दे अर्थ गुरमुख विद्वान ने बहुत सोहने किए, भावें कि जन्म साखियां विच इस शब्द की उत्थान का कहो भूमिका कहो, इस विच कहा जाता है जदों महाराज वहीं तो बाहर निकलते हैं शमशान घाट विच ने, ते जन्म साखियां महाराज के उस वक्त के स्वरूप नूं दस दियां ने, तेड़ कुपीन है कुपीन का जिक्र कर दियां ने, ते सीस के उपर जूड़ा बनिया होया महाराज वहीं तो बाहर निकलदे। वो तीन दिनों की घटना बड़ी वड्डी तब्दीली लैके आउंदी, शायद आप जी नूं पता हो एक बार इत्थे अर्ज कीती सी कि यह साखी जिहड़ी बड़ी गहरी है, यह जिहड़ी घटना है ये वापरी इस मृत मंडल विच सुल्तानपुर वापरी है, पर सच ये वे मृत मंडल विच वापरी हुई घटना की व्याख्या विद्वाना ने बहुत यतन किया। साढ़े कोल जे साखी के तौर पर देखिए हर साखी ने इस घटना का जिक्र किया, भाई बाला जी वाली साखी
वलैत वाली जिन्हों पुरातन जन्म साखी कहने भाई मेहरबान वाली जन्म साखी जिन्हिया जन्म साखियां ने साढ़े को जितने काव्य ग्रंथ ने सब ने जिक्र किया भी महाराज तीन दिन वहीं दे विच रहे। ये ठीक है कि अजकल दे सज्जन भी महाराज परले पासे चले गए सोचन लग पे संसार का उधार किवें होना है। ये बिल्कुल हासोहीनिया न्याणिया वालिया बाचां बातां ने। गुरु नानक साहब महाराज कित्थे जांदे आ? सब तो वड्डा साडे कोल जिहड़ा सबूत है वह गुरु नानक साहब जी की अपनी बाणी है। दूसरा उस घटना की व्याख्या करने वाला सिख विद्वान सन्मान योग भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने। तीसरा मैं बेनती की साढ़े को जन्म साखी साहित्य है थोड़ा जहा एक एक असी वाच लीए। सब तो पहला साढ़े को जो असी जन्म साखी देखने उस भी जोड़े शब्द ने बड़े कमाल दे। उंज वैसे मैं बेनती करांगा आप यही कोई बटरिंग नहीं वाहगुरु जी की कृपा न बहुत सोहनी इत्थे बुनियाद बनती पई है। बहुत चंगा होवे जे पुरातन जन्म साखी का पाठ और व्याख्या हो जाए क्योंकि उहदी व्याख्या लई बहुत बरीकी चाहीदी। एक तो शब्दावली साड़ी साध भाषा पुरातन तो उहदे विच बड़े शब्द ऐसे ने जिहड़े बड़े डूंघे बिल्कुल छोटी जी पुरातन जन्म साखी उस विच एक एक घटना दा लफ़ज़ थोड़े ने बहुत कुछ जिवें महाराज खेत मझां वड़दियां ने तुसीं शब्द सुनो महाराज विश्राम च ने वह जिमीदार आंदा के रौला पाउंदा ते गुरु साहब जी दे कोल जदों उच्चा ते सख्त बोलदा है महाराज शब्द की कहिंदे आ भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। वह गुस्से च देखो मारे भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया की होया किसे महीने मूँह मार दिता सबर कर खुदा इसे विच बरकत कत सी। देखो ये शब्द किड्डा प्यारा है जदों ये घटना वापरदी है तो राय बुलार पूरी तफतीश करदा है वह देखता भी कुछ नहीं उजड़िया तो उहदे शब्द सुनो बाबा कालू साहब जी नूं बुलांदा है कहिंदा है कालू देखी तू अपने फिर पुत्र नूं फिट मारना कदी कहीं देखी अपने पुत नूं नानक नूं फिट मारना कहीं। अगले शब्दों कहिंदा है ये महापुरख है ते महापुरख कह के वह बैराग भी जाके कहिंदा कालू तैनूं सच दसा इहदे करके मेरा शहर वसदा है इस करके मेरी तलवंडी उहदे एक एक लफ्ज़ जिहड़ा है वह बड़ा ध्यान वाला है। हुण जदों इस घटना का जिक्र करदा है साखीकार गुरु नानक साहब दे वहीं प्रवेश का तो मैनू चलो हर विद्वान की अपनी एक है डॉक्टर कृपाल सिंह पिछले दिन चलाना कर गया मैं कहना जिंदा बंदा दुरुस्त कर ले क्योंकि जिंदगी दे हड़ पड़ा तो आप कोई सिख नहीं जे सी कहने भी मैं बिल्कुल मुकम्मल हो गया अज भी सी सैर करदे गल कर रहे सच ये वे कि ज्यों ज्यों मालक किसी उत्ते अपनी रहमत का मीह वरसांदा है उसकी शब्दावली ते उहदे विचार विच भी तब्दीली हुंदी रहमत दा भी विसाए ये गल होर रखो जदों कुराए पाण लग पवे उदों भी बंदे की व्याख्या बदल लग पैंदी कुराए पांदिआं भी बदलदी ते संवाद दिंदिआं ये कोई सूत्र नहीं कैमिस्ट्री का निर्धारित कर दिता भी H2O ही रहना ये दो दूनी चार नहीं इत्थे कोई पता नहीं किस वेले किसी ते रहमत होवे की बख्शिश गुरु जी कर देन। हुण उत्थे जिहड़े शब्द उन्होंने वरते ने जन्म साखी वाला उत्थे उह शब्द वरदा है गुरु नानक साहब जी नूं परमात्मा की दरगाह विच उह शब्द वरदा है नाम अमृत दा प्याला मिलिया। अगले शब्द थोड़े मैं पंजाबी च वरत रहे हुक्म होया नानक तू ये नाम अमृत दा प्याला आप पी लोकां ताईं प्यार नाम दान इशनान दृढ़ करा। हुण ये तीन शब्द बड़े दिन की व्याख्या करते हैं नाम दान इशनान की बाणी च बड़ा इहदा जिक्र है गुरमुख नाम दान इशनान नाम दान इशनान दृढ़ करा संसार थी निरलेप रहण की जुगत दस तरीका दस कहिंदे उस अगला शब्द आया नानक मेरा हुक्म तेरी नदरिया है। हुक्म शब्द पिछले दिन असी व्याख्या करते आ रहे हुक्म शब्द की व्याख्या ऑर्डर के रूप कदी ना करिए
सच ए वे हुक्म नाम शब्द जिहड़ा कहे उसनू माणिया कहे महापुरखा ने, पर कदी किसे ने कहा मैं हुक्म सारा समझ गया। महाराज ने कहा हाँ, जिन्हों समझ थोड़ी जी पैंदी उहदी खोमे दा विनाश हो जाता। नानक हुक्म है जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। एक होर बेनती, जिन्नी कोई समझ, मैं तां पहला कहा भी कोई जरूरी नहीं जिहड़ी मैं अज शब्द वरत रहा ये आने वाले समय च भी वरता। हुक्म शब्द जिहड़ा इन्ना कोई डूंगा है, असी हुक्म दा अर्थ वापरी हुई घटना कहने जां दुखांत नाल जोड़ने, पर गुरु साहब हुक्म नू सिरजना दी एक शक्ति नाल जोड़दे। हुक्मी होवन आकार ते उत्थे शब्द हुक्म है कि बाणी विच जदों देखिए जदों निराकार ने निर्गुण ने जिन्हों असी कहने सुन समाधि सी अपने आपे विच सी। हुणे भी भाई साहब जदों शब्द पा रहे सन आपे रसिया आप रस आपे रावण खार, गुरमुखो ये तिना विच ते आप ही वरतदा पिया सी। यही गल श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां नेकी नूं कही, डॉक्टर नेकी गए ये उदों पढ़दे सन अमृतसर, ते उत्थे तितली बैठी फुल उत्ते, ते उह पुछदे आ भी बड़े ध्यान नाल उह सैर कर रहे सन फुलां दे बगीचे अपने च, उन्हां पुछया भी ये आ की जो देख रहे उत्ते बड़े ध्यान च, ते जिन्ने विद्यार्थी सन किसे कहा तितली है जी ये फुल दी सुगंधी लैण आई है, किसी ने कह दिता जी ये सुभाए बसंत दी रोते फुल खिड़े ने, उन्हें कहा गुरसिखो ये तीन कला वर्दियां पईआं ने, एक फुल है वो एक फुल विच्चों निकलती सुगंधी है, तीसरा सुगंधी नू मानन वाला है, इन्हां तिन्हां नू बाबे ने कहा है ना तितली है ना फुल है ना सुगंधी है ये आपा है। उत्थे फिर उन्हें शब्द कहा आपे रसिया आप रस आपे राम। मेरे कहन तो मुराद कि गुरु साहब जी की इस अमृत बचना विच्चों हुक्म जिहड़ा शब्द है वो ये गल कहिंदे आ जिन्हें गुरमुख प्यारे ने कहिंदे असल च जदों जिन्हों सुन कहने निर्गुण कहने जदों उस सुन विच प्रभु ने आप फुरना बनाया मैं साकार होना कह उस फुरने का नाम हुक्म है। फिर बेनती, जदों उस सुन विचों ने कहा मैं अपना आपा पसारा करना उस पसारे वाले फुरने का नाम हुक्म कहे, तो सच एवे वह हुक्म अज भी वरतदा है, वह हुक्म सुख भी हुंदा है तो हुक्म दुख भी हुंदा है, हुक्म मान भी हुंदा है तो हुक्म अपमान भी हुंदा है, पर कमाल की गल ओदे हुक्म विच हुक्मी आप वरतदा है, जिथे आप वरतन लग पवे दुख तो सुख इको जहा लगन लग पे। फिर इस बेनती इस गल नूं वेखो, पिछले दिन जपजी साहब की बचन चले चंगी गुरु घर चल रहे है भी एक दिन जपजी साहब की पौड़ी की कथा हो जाए संगत नूं रोज़ पता लगे। उस जदों सैनोजे सी इत्थे ते जदों आया ना महाराज का बचन कि किव सचियारा होई है किव कूड़ा है टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। हुण हुक्म की व्याख्या अगली पौड़ी कर रही, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, ये व्याख्या करेगी पिछली तुक दी कि नानक लिखिया नाल हुक्मी लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया है, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म है जे बुझे ता होमे कह ना कोय। हुक्म विच हुक्मी दी मौजूदगी हर हालत विच कहे, यही कारण कि जिहड़ा हुक्म नूं नहीं समझदा वह गैर मौजूदगी विच वापरी कोई घटना कह के रोंदा है, जिहड़ा हुक्म विच हुक्मी नूं समझन लग पवे वह कहिंदा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जै जै रखें आप तें जाए खड़ोवना। बेनती करा महाराज नूं उत्थे कहिंदे आ जन्म साखी वाला कहिंदा आवाज़ आई नानक मेरा हुक्म तेरी नदरी आया। जदों शब्द कह सच एवे कि बड़े गुरु ग्रंथ साहिब शब्द ने जिहड़े असी महाराज ने साडी बोली च कह दिते, पर गुरमुखो उस अवस्था च कह जिथे आप अपने आपे विच जुड़ के गल्लां कर रहे। हुण क्या मेरा हुक्म तेरी नदरी आया, जन्म साखी वाला कहिंदा तां बाबा बोलिया भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखां ना। ये संबोधन है पार ब्रह्म,
फिर उत्थे जिहड़े शब्द वरते उन्होंने, मैं बेनती जिहड़ी कर लगा गुरु नानक साहब की पद पदवी की जन्म साखी वाला बिल्कुल गुरबाणी के शब्द के नेड़े जाके व्याख्या करता, क्योंकि मैं पता है ये पद पदवी रज के व्याख्या की जानी, जिहड़ा शब्द पता नहीं कितों उधारा ले लिया, इनकलाबी इनकलाबी पत मैनू नहीं पाँदा पैना शब्द उत्थे, वो शब्द जिहड़े वरद शरदा च भिजे कहिंदे जदों क्या परमात्मा नूं कि पी तेरी कीमत ना पवे, कहिंदे फिर आवाज आई नानक जिस उपर तेरी नदर तिस उपर मेरी नदर। शब्द तीन ही, जिस उपर तेरी नदर तिस उपर मेरी नदर। सच एवे ना लोकां नूं मेरे बारे नहीं पता, नहीं साधना नहीं ज्ञान, पर दृष्ट मान भी जिथे तुसी जाओगे जिस उत्ते नानक तेरी नदर पै देगी उहदे उत्ते रब दी नदर पै जाएगी। जिस उपर तेरी नदर तिस उपर मेरी नदर, दूसरा शब्द वरत्या जिस उपर तेरा करम तिस उपर मेरा करम। ये भी फारस बख्शिश, जिस उपर तेरा करम तिस उपर मेरा करम। अगली तुक ने सारी व्याख्या भट्टां दे सवैयां दी कर दित्ती। अगला शब्द मेरा नाउ पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाउ गुरु परमेश्वर। इस है पद पदवी असल च, मेरा नाउ पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाउ गुरु परमेश्वर। जन्म साखी ने एडे शब्द खोल दिते भी गुरु नानक साहब की नदर रब की नदर है, गुरु नानक साहब की बख्शिश परमात्मा की बख्शिश है। सच एवे धन गुरु नानक साहब का नाम लवो, पाप कट्टे जाते ने, इन्ना फल मिलता जिन्ना रब का नाम लिया जाता। इस तो अगा थोड़ा जा हूँ भाई साहब ने अपने ढंग इस गल इस दी व्याख्या की। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह का थोड़ा जिक्र किया जो उन्हें पहला जन्म साखी परंपरा लिखी ना जी, तो मेरा इच्छा होंगी भी ये देखा भी इस घटना बारे की लिखते। उत्थे उन्हें भी लिखा कि महाराज बई तो पार चले गए, तो सोचन लग पे जा अपने आप किवें संसार का भला, पर जो हूँ अंतले पड़ा ते आए तो गुरु नानक प्रकाश की व्याख्या कर रहे सन। इस घटना बारे बदल चुका से उन्होंने ख्याल लिखती है, कहिंदे ने बाबा जी गया महापुरखां दे जीवन च वापरदा है, गुरु नानक साहब दे जीवन च वापरिया, इहनू गुरु नानक साहब जाने ते परमात्मा जाने। चलो ये दावा तो खत्म हो गया ना भी परले पासे गए। हुण भाई साहब गुरमत दे व्याख्या करने श्रीमान भाई गुरदास साहब, वह फिर इस गल की व्याख्या जो करते हो तुहानू सब नू पता है कि उस विच बख्शिश ते बख्शिश तो बाद चलना। मैं अज भी तुहानू बेनती करांगा, असी यतन करने भावें एक दूजे को शब्द कही जी विद्वान ये पंडित थामे आए हो सब कुछ झूठ जे, जिदन गुरु किसी नूं थापड़ा दे के कोरे अनपढ़ नूं भी तोड़ दिता उन्हें सब कुछ बदल देना। ज्ञान ने कुछ नहीं करना, बख्शिश ने करना। भाई साहब ने जिहड़ी पौड़ी विच शब्द वरते उन्होंने सब तो पहला शब्द बख्शिश वरते, वह शब्द कह पहला पाबे पाया बख्शता, घालना पहली थान नहीं दिती। इस कोई शक नहीं गुरु नानक साहब ने बड़ी घालना की जी, गुरु ग्रंथ साहब जी बचन करते हैं सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो। भट्ट कह रहे कि सतगुरु नानक साहब जी ने भगती की जी, सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो। उत्थे उचारने एक पाठ महाराज का बचन असी करने हैं, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। उत्थे धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, उत्थे कालना दा जिक्र है गुरु नानक साहब जी दा, पर इत्थे भाई साहब ने कालना दा जिक्र नहीं किया। कालना दूजे नंबर ते है, पहला बख्शिश, यही कारण मन चाहुंदा भी एक कमाई नाल बख्शिश के बख्शिश नाल कमाई। असी कहने भी एक कमाइया कीतियां ते बख्शिश मिली, मैं कहना नहीं प्यारियो गुरमत अनुसार जिन्नी कुछ समझ पई बख्शिश होई ते कमाई की, जे बख्शिश ना हुंदी कमाई की सी। भाई साहब ने पहला शब्द वरत्या पहला बाबे पाया बख्श दर, उस दे दर तो बख्शिश के पिछों दे फिर काल कमाई। इहनू फिर थोड़ा जिहा सुणियो आप जी बेनती, मैं यतन करना मैं शब्द च रह के, कल भी मैं कहा जी आपो अपनी सुरत हुंदी है जी, शब्द तो बाहर निकलन चित नहीं मानदा, पता हुंदा पढ़िया सब कुछ हुंदा खब्बे सच्चे,
ते बड़े सोहने बचन गुरु अंगद साहब जी ने कहे सन। महाराज जी ने पूछा, सिखा महाराज, क्योंकि अंदर की अवस्था एक जी थोड़ा, ये जे कही जी गुरमुख के अंदर कदी पुरने नहीं उठते, ये भी दावा झूठा। वासना वाले फुरने कई बार उठते हैं, पर कर्म नहीं बन देता गुरु, फुरने नू फुरने नाल मल देता। एक बार क्या भाई गुरदास साहब नू पुछया सी कि गुरमुख नू क्रोध नहीं हुंदा, ओदे अंदर चीज़ असर नहीं। भाई साहब ने बहुत सोहनी गल कही, कहिंदे बिल्कुल वापरदा जिंदगी च। ते गल कही, फर्क इन्ना कि मिट्टी के भांडे नू ठोकर वाजे तो टुट जांदा, टुटा दुबारा जुड़दा नहीं। कहिंदे ने सोने के भांडे नू ठोकर वाजे चिब्बा, चिब्बा शब्द सी पहला, टेढ़ा हो जांदा है, पर चेते रखियो थोड़ी जी सट मारो तो टेढ़ा सीधा हो जाता है। कहिंदे गुरमुख के जीवन च, मैं शब्द गुरमुख वरत रहा, कितने भी थोड़ी बात ही कितने सट वजदी दिसे, टेढ़ापन आवे, गुरु के शब्द की चोट नू सीधिया कर दिंदी, ये वापरदा। हुण फिर बेनती कि गुरु साहब जी ने वह पुछदे आ सिख ते गुरु अंगद साहब जी, महाराज जदों क्रोध धोईए, कोई मन च इहो जिहा तूफान उठे, फिर की करिए। महाराज ने एक उदाहरण दिती, कहिंदे आ जदों जंगल नू अग लग जांदी है, नेड़े जंगल समुदो तो दरिया भी नेड़े वे, तो खरन की करदा है? से कहिंदे ने महाराज जदों अग दे लांबू लगदे आ, भांबड़ बलदा है अग दा, तो खरन दौड़ के इको दम पानी च वड़ जांदा, दरिया होवे टोबा होवे उह च जा खलो जांदा। महाराज कहिंदे एक जानवर नू भी समझ पै गई, अग लगे तो दौड़ के पानी च वड़दा है, तो महाराज कहिंदे जो अंदर नू अग लगती होवे तो दौड़ के गुरु की बाणी च वड़ जाए, शब्द जिहड़ा उह अंदर नू टिका दिंदा। गुरु अंगद साहब दे जीवन दी घटना कि जिवें पानी नू वेख के उह कहिंदा वी अग तो बचांगा, शब्द सचमुच बचांदा। दूजी गल, आपां चलो वाहिगुरु जपदे आ, सुखमनी साहब करदे हो, जो भी बाणी आप पढ़दे हो, यह भी बिल्कुल सच है कि जदों तुर अंदर, एक तां बाणी जिहड़ी है शब्द जिहड़ा जिस दिन नेम च कि ढिल मठ दिसदी होवे, उस दिन लम्मे पए हो, तां थके होवो, आलस च होवो, यह सच है कि गुरु ग्रंथ साहब के उस बाणी दियां तुकां अपने आप नींद विच वी चलदियां, क्योंकि वह खुराक नहीं मिली ना अंदर। मैं बेनती करांगा कि बख्शिश है फिर साधना है। हुण आपनू पता है 38वीं पौड़ी च साधना है जी, जिहड़ी जपजी साहब की 38वीं पौड़ी उच साधना है, आ काम कर आ कर, पर आप जी देखो साधना दे नाल अखीर ते जिहड़ी तो कई वह बख्शिश नाल जोड़ी, भी ये साधना उही कर सकेगा जिहदे ते बख्शिश होगी। जत पहारा ये साधना है ना, इच बेला शुरू नहीं किया भी बख्शिश। जत पहारा धीरे सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सती टकसाल, जिन कौ नदर करम तिन कार। नदर करम ये बख्शिश है, भी ये साधना उही करेगा जिते बख्शिश होवे। ये गल कि कोई भी साधना आप करने, सिमरन की, जप की, तप की, सेवा की, हर चीज़ नू बख्शन नाल जोड़ के वेखांगे ते खौमे वाला कंडा नेड़े नहीं। महाराज कहिंदे आ जिन को नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निकाल। उत्थे भाई साहब ने, मैं अपने विषय ते आवां, वह कहिंदे पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी विशाई, भारी करी तपस्या बड़ी वड्डी कमाई, भारी करी तपस्या वड्डे पाग हरसों बने आई, बाबा पैदा सचखंड। वो जिक्र करते इस घटना का, उस तो बाद महाराज ध्यान धरके तुरद, अमृत संचार की घटना वा बड़ी वड्डी घटना है, पर इस तरह भी सिस्टम बना दिता जा होना है। उस तो पहला जेडे 8-9 महीने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बतीत होंगे आ, चेते रखियो उस अपने आपे के ध्यान विचों खालसा जी का आगमन हुंदा, खालसे का जन्म हुंदा। उहदे विच असी उस घटना का ज़्यादा जिक्र नहीं करते। मेरी बेनती है कि जिवें गुरु तेग बहादुर साहब की, गुरु नानक साहब की बख्शिश है कि दादे ने पोते नूं गद्दी दे दित्ती, गुरु हरकृष्ण साहब आ गए,
ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂਮੈ ਸਾਕਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੌਨਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰਮੁਖੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਪੀਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੇਤ ਆਕਾ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਰ ਸਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਕ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚਲੋ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਥੀ ਨਿਰਲੇਪ, ਉਂਝ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਧੂਣੇ ਅਤੇ ਛੇ ਬਖਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਛਾਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੋਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ। ਬੜੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 370 ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ 370 ਥਾਵਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, 370 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ। ਸੋਧਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੋਧਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਦੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪੰਜ ਖੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ 'ਤੇ PhD ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ਼ਵੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ਼ਵੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ
हाँ इस शब्द पूरी गल पा गए भी तेनू धर्म खंड की गल दस रहा पर अनंत शब्द नू भुली ना। ये अनंत शब्द कह रहा धर्म खंड का भी अंत नहीं। ये सब तिनके नाम अनेक अनंत अनंत शब्द ने कह दिता बेअंत है। इस तो अगला जो खंड असी पढ़ने धर्म खंड कहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वसंतर केते कान मिकेश केते ब्रह्मे घाड़त घड़ियाँ रूप रंग के वेश केतियाँ करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केतियाँ खाणी केतियाँ बाणी केती पा केतियाँ पात निंद केतियाँ सुरती सेवक केते नानक अंत नानक। फिर बेनतियां केतियां सुरती सेवा केते फिर इतने भी शब्द वर दिता नानक अंत ना अंत ज्ञान उत्थे अनंत वरत्या। याद रखो इतने अंत ना अंत शब्द ओ ही अनंत। हुण तीसरा खंड सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ियां बहुत अनूप अगला बचन की है ताकियां गल्लां अनंत है वे। हर खंड च मैं जो सतगुरु बख्शिश करन पाठ करदे वेख्या भी हर खंड ही अनंत ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कह पिछे पछताए। जदों चौथा खंड आया कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध मां बलसूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माह अगे की है वो भी अनंत आ गया ताकि रूप ना कथने जाए। पंजां खंडां ही तुसीं देखो हर खंड विच जिक्र भी बाबा जी कर गए ते ए जो कुछ है जे कही जी मन दे। मैनूं पता है साडे टीकाकारां जिहड़ी प्रोफेसर श्रैणी सी उन्हां कहा भी सोच मंडल मन दा सोच मंडल नहीं सोच मंडल सोच मर जांदी जिथों रूहानी शुरू हुंदी। सोच सोच विच ईगो बैठी हुई इत्थे गुरु साहिब ने फिर वरत्या ताके रूप ना कथने जाए। फिर अगला बचन सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निकाल तिथै खंड मंडल वर पांड जे को कथै तां उत्थे भी शब्द अनंत आ गया। पंजां खंडां विच गुरु साहिब वार वार शब्द कह रहे अंत नहीं। पर फिर मैं बेनती करा गुरु साहिब जी नूं पुछिए महाराज आपां गल कर रहे हैं पद पदवी की महाराज आप जी कित्थे गए। हाँ माझ राग दी अखीरली पौड़ी ने ये सारी गल का उत्तर दे देता। पर इन्ने निम्रता योग शब्द फिर बेनती सुनियो जन्म साखी वाले ने पद पदवी सही कही कि तेरा नाव पार ब्रह्म मेरा नाव पार ब्रह्म परमेश्वर तेरा नाव गुर परमेश्वर। भाई साहब ने कहा नौनिद नाम गरीबी पाई पर गुरु साहब नु पुछो आई गरीबी जे खौ ढाडी बेकार कारै लाया। ये भी सारिया बख्शा आ जाए बिल्कुल नहीं क्या मैनू गुर परमेश्वर की पदवी मिली। कहिंदे ने मैं ढाडी हों ढाडी वेकार कारै लाया इस काम ला दिता रात दिहों कै वार धुरों फरमाया धुर तो मैनू ये दस दिती ये हुक्म कीता मैनू फरमा दिता रात दिहों कै वार धुरों फरमाया ढाडी सच्चै मैल खसम बुलाया। वेखो शब्द महाराज कहिंदे ने मैनू खसम ने आप बुलाया। हुण इत्थे साडी तर्क जी बाबा जी परां चलेगा बाबा जी इधर चलेगा महाराज कहिंदे नहीं तुसीं समझो ये नहीं कहा कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर बन गया नहीं। कहिंदे ने मैनू तुर दरगाह तो आवाज़ आई सदा आया हों ढाडी वेकार कारै लाया रात दिहों कै वार धुरों फरमाया ढाडी सच्चै मैल खसम बुलाया सच्ची सिवत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया। दो चीज़ां दित्तियां एक मैनू सिबत सलाह का कपड़ा दिता क्योंकि ढाडी नू आपनू पता वे पुराने समय जदों अपने घरां च मिरासी भी आउंदे सन वाहिगुरु मैनू गोत नाल कदी नहीं जोड़ना मिरासी आप जी नू एक दिन बेनती कल मैं यतन कर रहा मैं सोच रहा जे इत्थे मेरे तो मुकम्मल हो जाए भी जिहड़े गुरु नानक साहब दे वेले सिखां दी सूची भाई साहब ने दित्ती है ना उहनां दी थोड़ी व्याख्या हो जाए क्योंकि मुकम्मल तो नहीं वो दो पौड़ियां ने बस उस विच भाई साहब की एक पूरी बचन ने तो एक एक सिख का जिहड़ा जीवन है सब तो पहला सिख भाई तारू है। मैं बेनती करा गुरमुखो यतन करियो जो हो सकता तुसी बहुत अगे कर रहे हो बहुत रब की दया है
पर यह जिहड़े गुरु नानक साहब के सिख ने ना जी भाई गुरदास साहब की लिखित वो जरूर बच्चों नूं दस्सिया जी। वो उंज साखी असीं पढ़ने बेबे मैनूं पता बेबे नानकी का नाम विच नहीं राय बुलार जी का नहीं पर जिहड़े भाई साहब ने दिते ने दा भी कोई अर्थ है ना। पहला शब्द है तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। उस विच एक तुक पूरी भाई साहब भाई मरदाना जी लिखा भला रबाब वजाइंदा मजलिस। मजलिस लफज बड़ा चंगा है जिन्हों असी संगत कहने मजलिस का लफ्ज ही अर्थ इकट्ठ भला रबाब वजाइंदा मजलिस मरदाना मिरासी। मिरासी शब्द गोत नहीं उंज भाई मरदाना साहब जी की पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाओ ये हजरत मुहम्मद साहब के नाल जुड़ते हैं। चलो फिर कई दिन समा आया भी कारण की किवें मिरासी। मिरासी लफ्ज जिहड़ा है ये एक शब्द है मिरास। मिरास तो मिरासी बनया इनू सीन नाल पढ़ना है छीन नाल नहीं छछे नाल नहीं पढ़ना। जिहड़ा बंदा ये पढ़े ना मिराशी ये गल चेते रखे उन्हूं समझ कोई नहीं शब्द की। हुण जिवें आपां कहिंदे जी फलाना बंदा उर्दू पढ़िया। मैं जदों शुरू किया ना जी साढ़े कलगीधर लुधियाने नेड़े मसीत मैं उत्थे जाना तो मैं कहा जी मैं उर्दू पढ़नी चाहना तो मौलवी हस पिया कहिंदा जी पहला सबक यही है भी उर्दू नहीं कहना। मैं जी क्यों कहिंदे जिथे उर्दू क्या सियाने लोग तुहानूं कहणगे कुछ नहीं तुहानूं तुसी कथा करदे हो पर हसणगे जरूर। इस बंदे नूं पता नहीं उर्दू नहीं हुंदा ये उर्दू हुंदा। मैनू वो गल अज तिकर नहीं भुलदी जदों कहिंदा मैं सोचना उन्हें पहले दिन मैंने कहा भी पहला तेरा लैसन ये भी पका के भी कल तो उर्दू कहना उर्दू नहीं कहना। उन्होंने मैनू ये चंगे शब्द क्यों जो मिरासी शब्द है ना जी ये बनया मिरास तो। मिरास के लफ्जी अर्थ जड़े ने लफ्जी अर्थ ने संभालना। मिरास का लफ्जी अर्थ है संभालना इकट्ठा करना संग्रह करना। असल च की है कि एक ओने मुसलमाना विच मिरासी हुंदे सन ते हिंदुआं दे विच भट्ट हुंदे सन। ये दोवें मिरास 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 नाल संबंधित ने। हुण मिरास दा अर्थ संभालना इकट्ठा करना ये मिरासी क्यों बनिया। मिरास मिरासी दा अर्थ गवैया नहीं इहदा अर्थ है कि तुहाडे परिवार की वह जानकारी जिहदे बारे तुहानूं कोई पता नहीं वह जबानी अपनी जेन च इकट्ठी करके बैठा है ते कई पीढ़ियां दी तुहाडे कुर्सी नामे नूं जबानी सवान आंदा पिया। जिन्हें मिरास दा अर्थ जिन्हें संभाल लिया संभालण वाले दा नाम मिरासी है। ते मिरासी दा अर्थ जे तुसी भी असी भी अपने परिवार दी किसी विरासत नूं कौम दी विरासत नूं संभाल दिओ मिरासी शब्द होवेगा भी इहने संभाल लिया है। संभालना मिरास दा अर्थ संभालना। उत्थे भाई साहब ने शब्द वरत्या इत्थे पहली वारी वरत्या मिरासी बाकी नहीं किते वरत्या। मेरा ख्याल बाकी यही शब्द आया एक बाबा अकाल रूप दूजा उत्थे रबाबी आया रबाबी मरदाना। एक शब्द भाई साहब ने होर भी वरते अगे जाके जी वो उत्थे मिरासी शब्द आया है वैगुरु लैली दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लभाना कुत्ते दी पैरी पवे हेड़े रस्से लोक विडाणा मेरासी मेरासियां नाम तरीक मुरीद बिबाना। दो वारी तकरीबन पर उत्थे मरदाना शब्द नहीं आया। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा उत्थे भाई साहब नूं पूरी तुक दित्ती भला रबाब वजाइंदा मजलिस मरदाना मिरासी। इहदा अर्थ मरदाना संगत दे इकट्ठ विच रबाब वजांदा है ते इह इह भी इक रब दी दात। जदों इत्थे बच्चे रबाब वजांदे ने जे वाजा ना भी वजाओ रब तबला भी ना वजाया जाए जिहड़े रबाब सिखे आ रबाब दी तार विच रिदम ही अपनी इन्नी इहनूं किसे होर साज दी लोड़ ही नहीं पैंदी। आप वेखियो कदी जो उहदे नाल गाया जांदा अंदर टिकांदी बड़ा। उंज मैनूं याद है ये रबाब पछम दा साज कह ये नहीं मैं कहिंदा भी इसी वाजा छड्ड देना चलो हुण आ चुका है। असल च पिछली सदी के आरंभ च वाजा हरिमंदर साहब च आया पहला नहीं सी। जिहड़ा वाजा है हारमोनीयम आपां कहिंदे पहला नहीं सी दरबार साहब च इहदी बिल्कुल मनाही सी। पर रबाब जिहड़ा है भाई साहब लई शब्द रबाबी वरत्या। गंगा सिंह उहनां दे अर्थ बड़े सोहणे कीते उन्होंने भावें रबाब तुसी कोश च पढ़ो इहदा अर्थ एक साज
उन्होंने अर्थ किए सन रबाब दो लफ्जा नाल बने रब आब कहिंदा ओ साज ओ तार जिहदे च गुरु दा शब्द गाया जिन्हें सचमुच अंदर दी प्यास बुझाउण दे लई रब दी नाम रूपी जल लोकां नूं वंडिया रब आब रबाब हां जी। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा हुण मिरासी जो गाँवदा सी भट्ट जो गाँवदा सी सिर्फ लोग दो चीज़ा पैसा नहीं सेना देंदे जानू कपड़े देंदे सन जानू अनाज देंदे सन। गुरु साहब ने वही चीज़ ली उन्हें उत्थे नहीं वरत्या मैंने पैसे दिते। गुरु साहब कहिंदे आ मैं ढाडी हाँ उहदे दर दी सिफत करन वाला वा उन्हें दो वस्तुआं मैनू दित्तियां एक मैनू सिफत सलाह दा कपड़ा दे दिता दूजा मैनू नाम दा भोजन दिता तीजा मैनू शब्द दे के कहिंदा जा ढाडी हुण जिथे तू जाएगा मैं तेरे नाल होवांगा तू मेरे शब्द का प्रचार कर। उदू बाद फिर महाराज तुरते हजूर ने फरमाया कि खौं ढाडी विकार कारह लाया रात दिहों कै वार धुरों फरमाया ढाडी सच्चे मैल खसम बुलाया सच्ची सिबत सला कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमत्ती खादा रज तिनी सुख पाया ढाडी करै पसाओ जिन्हों कहने फिर बाबे भेक बनाया उदासी दी ढाडी करै पसाओ दा अर्थ विस्तार करना पसाओ दा अर्थ प्रचार करना ढाडी करै पसाओ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया। ये पौड़ी इंज प्रतीत हुंदा है ये महाराज जी ने जो असीस बख्शिश उस घटना च वापरी है उहदा जिक्र कीता। फिर महाराज जदों निकलदे आ शब्द आपां जिहड़ा कर रहे सां कोई आख है पूतना निकलदे आ शमशान घाट च बैठदे आ सुल्तानपुर तीन शहरां दा मंच है मैं लभ रहा जी सारी वाहगुरु कृपा करे इकट्ठा हो जाए ज्ञान एक किशोर अवस्था तक एक जवानी जदों शुरू हुंदी है तीसरा बुढ़ेपा तीन शहर एक रायपोए की तलवंडी दूजा सुल्तानपुर ते तीसरा करतार बाकी थावां महाराज कितें रहिंदे आ थोड़ा वध समां। हुण गुरु साहिब जदों बाहर आउंदे आ सुनो जन्म साखी वाले दे बोल सिर ते जूड़ा है तेड़ कुपीन है ते पता लग जांदा भी मोदी प्रगट हो गए महाराज जाप कर रहे सन उदों आ गए ते नवाब दौलत खां भेजदा बंदे भी जाओ तुसीं बुला के लियाओ महाराज बैठे आ ते बेबे नानकी सब तो वध सुल्तानपुर विच इस घटना ने जिस नूं नहीं प्रभावित किया वो सिर्फ बेबे नानकी दो शब्द कह एक जना बीबियां चलो शब्द जनानी माड़ा नहीं जी अपने कई बार वरत्या मैं परसों चौथ एक शब्द वरत गया लुच्चा ते लफंगा ते मेरे मन च है भी संगत च कोई पता नहीं ते फिर मैं जदों अर्थ लुच्चे दा अर्थ जिहदे लोचन दुष्ट हो चुके आ लोचन तो ना ते लफंगा दा अर्थ जिहड़ा बंदा टेक के नहीं बहिंदा वारागर्दी करता ये लफ्ज माड़े नहीं फारसी दे। हुण उत्थे महाराज जदों बैठे आ जी ते ये जनानी शब्द जिहड़ा पंजाबी दा नहीं जी ये फारसी का शब्द जन जन तो बनया जनानी इतने शब्द बनाया है जनान खाना यद अर्थ जिथे बीबिया बैठन की थांक है शब्द माड़े नहीं होंगे माड़ी वरतों करन करके माड़े लगन लग पे वो सारिया बीबिया कट्ठिया होकर क्या आ गई कुदरती तौर पर भी महारे तीन दिन नहीं निकले दुपट्टे लैके तो बेबे अपना काम कर करते सन एको क्या भी नानकी सुनया भी नानक न वहीं का पानी रोड़ लगे इस उन्हें कहा तुसी सबर करो रुड़द्या किनारे लाने वाले पानी नहीं रोड़ सकता बड़ा वड्डा शब्द भैने ममता बड़ी होंगी किसी ने आख्या भी डुब गया अगला शब्द से कहते डुबद्या तारन वाले पानी केड़ा डुबेगा। जदों महाराज आए उन्हें भेजिया बई बुला के लिया सुबह सुनियो वो आते ने आके कहते भी नानक सतगुरु जी का चलो नाम उन्हें की सतगुरु थोड़ा कहना सी भी तानू दौलत खां ने दरबार च बुलाया महाराज पहला शब्द बोल दिया जी पहली बारी कहते ने मैनू की परवाह पड़ी तेरे नवाब की परवाह पड़ी तेरे नवाब की वो ईरखा वाले यही शब्द कहें उ फिर महाराज ने शब्द कहा
कोई आखे भूतना को कहे बेताला। वो जांदिया महाराज दे कोलो सुन के होर ला के मर्च मसाला देखो जी, वो तो अगे भी जी आ कुछ होता तो कहिंदा की परवाह परी तेरे नवाब दी। नवाब दे भाग चंगे सन, उहदा पूर्वला चंगा सी क्योंकि उस परिवार नाल इस घर च परिवारक रिलेशन कह लम शब्द भी परिवार की तरह वरदा क्योंकि वह बेबे नानकी का रिश्ता लैके आया। दौलत खां ते राय बुलार आपस रिश्तेदार ने, कोटला निहंग खां ते गनी खां आपस रिश्तेदार ने, ये सारे परिवार भाई हिम्मत सिंह ते मोती राम मेहरे का परिवार आपस रिश्तेदार है। ये सज्जन एवें नहीं एक दूजे की सेवा करते रहे, इन्होंने आपसी उन्हें पता है। हुण जाके भी वह कहिंदा की परवाह पई नवाब की, उन्हें भी पूरा जोर लाता। वह कहिंदा एक काम कर, जनम साखी वाला कहिंदा नानक कुल जा, ये ना बोल भी नवाब ने बुलाया है। आ शब्द कही जो मैं तेनू कहन लगा, शब्द की सन, नानक खुदाए दा वास्ता दीदार बख्श। हुण आ लफ्ज़ां में बड़ा फर्क, खुदाए दा वास्ता दीदार बख्श। ये दोबारा गया बंदा, उन्हें जा क्या भी नानक नवाब ने शब्द कहने, खुदाए दा वास्ता दीदार बख्श। बाबा जी उठ खलोते कहने खुदाए दे वास्ते ता सिर भी आ जाए, वास्ता पै रब दा। मैं ही बेनती, आनंदपुर साहब रात का प्रोग्राम से जो महाराज ने किला छड़िया कथा करनी सी, तो मन च आया भी अपना घर कागज पत्र पूरे आनंदपुर साहब के बाबा जी ने क्यों छड़ दिता। सच्ची मुची तां छड़िया किसी ने रब का वास्ता पा दिता, कुरान का वास्ता पाया। ये इस गल नूं इस क्योंकि मैं पता है जी जिन्हां दे दिमाग जिहड़े गुरु रूप नहीं जानते, महाराज ने छड़ दिता जी इस तरह छड़ दिता, नहीं गुरु साहब कहते हैं बा मुसब कसम खुब खुफिए गर खुरद में ना यक गाम हम पेश अजा बुरद में। औरंगजेब जे मैं किते गुप्त सौ चुकी हुंदी, मैं मर जाता पर पिछे ना हटदा, तुसा तो कुरान उत्ते लिख के सौ चुकी है। ये कुरान है जी अजे मनोहर सिंह मारको चढ़ाई कर गया। वेखो मैं कहना हर जथेबंदी जिहड़ा शरद वाला बंदा है ना जी, हर एक दी कमाई नूं जिन्ना गुणों लै लेना चाहिए। उन्हें गुरु ग्रंथ साहब दे बीड़ां दी इन्नी उस बंदे दी स्टडी सी, तुसीं कोई स्वरूप महाराज जी का पुरातन लै जाओ, वो शाही ते लिखत वेख के कहिंदा सी किहड़े संमत च लिखिया गया। उन्हें एक बार लिखिया कहिंदा मैनूं एक मौलवी मिलिया सी, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਨਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਮਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਭੂਤ ਨੇ ਸਨ, ਬੇਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬੇਤਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਾਨਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨਾ ਰਹਾਓ, ਤਉ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਭੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਏਕੀ ਸਾਹਿਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਤਉ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਏਕਾਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਪਕਾਏ, ਤਉ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੈ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਲ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ।
गुरु साहब ने जो मैनू समझ पई पाठ करके इस थां ते अपनी पदवी का जिक्र किया मैं आम हाँ। पर जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए फिर गुरु ग्रंथ साहब गुरु साहब की व्याख्या करते हैं गुरु नानक साहब का की रुतबा है जो अजकल इस तेज है। बस ये गल याद रखियो गुरु अर्जुन साहब के इस बचन तो शुरू करके जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हां के बल 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 सद बलहा। गुरु नानक साहब परमात्मा के दर ते प्रामाणिक भगत है। भगत शब्द वरत्या कल असी पढ़िया इस तो अगे देखिए एक बचन भाई गुरु अर्जुन साहब जी का वो शब्द तुम सब नू चेते है ज्ञान ध्यान किच करम ना जाना ये पद पदवी है बाबा जी की। साढ़े बाबा जी तो अपने दीवाना तबलबाज ढाडी सब कुछ कहन असी पढ़नी है बाठो करना व्याख्या भी करांगे पर साड़ी सुरत बाबा जी की पदवी बस यही रखे ज्ञान ध्यान किच करम ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक हाँ जिन कर राखी मेरे सतगुरु का। क्योंकि एक विद्वान ने शब्द लिखे चलो आप तो उन्होंने नहीं पढ़ते चाहिए भी नहीं उन्हें पूरा जोर इस लेख से लाता भी सारी बाणी च गुरु नानक साहब नूं किते गुरु नहीं कहा क्योंकि जिहड़ा बंदा उहदा भगत होवेगा उन्हें कहना बड़ी वड्डी खोज नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च आप जदों गुरु हरगोबिंद साहब की जिहड़ियां घटनावां वापर दी कि ताप चढ़ जदों महाराज नूं मैनूं इंज लगता है भी असीं इस गल नूं समझिए गुरु साहब ताप वेले अरदास करदे जदों महाराज अरोग हो जाते उदों भी अरदास करदे हर गोबिंद नवा नरोगा जदों जन्म हुंदा है उदों भी कहिंदे गुरु नानक तुठा कीनी तात। गुरु नानक शब्द इन्ना वड्डा है किसी भी गुरु साहब जी ने बस एदू वड्डी कोई गल नहीं जी किसी भी गुरु साहब ने अपने शरीर की जिहड़ी मौजूदगी है उस निजी नाम नूं वरती नहीं सारी बाणी जिहड़ा शब्द वरत्या नानक वरत्या एदू वड्डी पद पदवी की किसी गुरु साहब ने वरत्या। गुरु तेग बहादुर साहब जा जिन्हें पातशाह सिर्फ एको शब्द वरत्या नानक एक बचन असी पढ़ने हैं तरन सवन्नी खड़ रतन जड़ावी इतने भी गुरु नानक शब्द जोड़ा वो अर्थ सतगुरु नानक तरन सवन्नी खड़ रतन जवाड़ जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सभे काज सुहेलिए सुहेले थीए गुरु नानक सतगुर तुठा। मैं मूर्ख की केतक बात कह कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना भरिया। गुरु रामदास का बचन है कि धन धन गुरु नानक समदर्शी यतन मैं करना भी मेरे मन से पर समा नहीं मिलया जा वक्त नहीं मिलना भी अच्छा जी एक तो जेडे बाबा जी ते भाई मरदाना गल्लां कर देना सारिया जेड़िया जन्म साखियां सारिया वो सारिया वक् कर लवान क्योंकि इन्ने इन्ने प्यारे मिठे बोल कित यार बना गल करते कित भाई बना करते कि जो विटरते उदो सामने खलो भी जाते नहीं पकड़ अपनी रबाब मैं चलिया महाराज फिर बड़ा प्यार करते। सतगुरु ने उत्थे शब्द वरते धन धन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत ये गुरु जोत ने कहा। भट्टा ने इस गल की व्याख्या की जन्म साखी की गुर परमेश्वर हालांकि आप पता है बाणी चाहता है कि नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भट्टा ने फिर बकायदा ना लैके कहा जोत रूप हर आप गुरु नानक कहा आप नारायण कला तार जग में परवरियो। बस एक बेनती है गुरु नानक साहब उन्हां दी पद पदवी क्रांतिकारी इनकलाबी समाज सुधार के बिल्कुल बौने शब्द ने नहीं गल शुरू करो गुर परमेश्वर। गुरु नानक साहब निराकार दे सकार रूप का नाम गुरु नानक भाई गुरदास साहब तो इस तो अगे मैं कहना वो बाकी सारे ग्रंथ खब्बे सज्जे बिल्कुल छड़ दिओ किसी विद्वान नूं सिर्फ भाई गुरदास साहब नूं पुछ लो वो कहिंदा है भाई साहब लिखदे आ सतगुरु नानक देव है निरंकार आकार बनाया
भेद वड्डी शरदा निरंकार आकार बनाया। फिर अगला वचन होर कहिंदे आ, जदों कहिंदे आ अमृत वेले गुरु नानक साहब रोज आप वाहगुरु शब्द अगे बोलते सन। धर्मशाल करतारपुर साध संगत सचखंड वसाया, सत नाम सत रूप कर सतगुर नानक दियो जपाया। अगला शब्द कहिंदे आ वाहिगुरु गुरु शब्द सुनाया। महाराज उन्हां मुताबक रोज आप इस बचन नूं कहिंदे आ